गढ़धार तालुका में मामलतदार तरीके फरज बजावता आरएस लावड़िया निवृत्ति कार्यक्रम योजायो हतो, जेमां विशेष अतिथि तरीके प्रांत अधिकारी टीडीओ सतीशभाई पटेल, मोरबी पीएसआई एमएलए धारासभ्य भाडिंगो बैंक चेरमेन सहित तमाम अधिकारी उपस्थित रहा। आ कार्यक्रम में गढ़धार विविध विकास कार्यो ने बिरदावामां आव्या हता। आज हमारे गढ़धार के मामलतदार श्री लावड़िया साहब वे निवृत्त हो रहे हैं। इन्होंने लगभग 40 साल तक यहाँ रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सेवाएं दी अपनी, और एक बहुत ही अनुभवी अधिकारी थे जिन्होंने गढ़धार में अभी सेवाएं दी, एक मामलतदार के तौर पे भी और नगर पालिका के वहीवटदार के तौर पे भी। तो और इसी समय में मैं यहाँ जनवरी में मेरी पोस्टिंग हुई एसडीएम प्रांत अधिकारी पालीताना के तौर पे, और ये मेरी पहली ट्रेनिंग के बाद पोस्टिंग थी। तो यहाँ पे एक मेरे लिए सीखने का मौका था पालीताना में। तो यहाँ पे हमें अब मेरा ये अच्छा किस्मत थी ऐसी कि गढ़धार और पालीताना दोनों में एक अनुभवी मामलेदार मुझे मिले, और इस 5.5 महीने के दौर में इनसे रेवेन्यू कामगिरी किस तरह से चलती है उसके बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला। और बवड़िया साहब का जो वहीवटदार के तौर पे भी एक जो प्रोएक्टिवनेस थी, आखिरी दिन तक भी काम करने का जो इनका जज्बा था, और लोगों के को जैसे सैलरी बढ़ सके या नगर पालिका में कुछ इनोवेटिव हो सके, जो इनकी इनका फोकस था, उससे बहुत एक नगर पालिका को भी फ़ायदा हुआ, और हमें भी एक अच्छा एटीट्यूड नौकरी की तरफ रखने की प्रेरणा मिलती है। मैं इनके आगे के जीवन के लिए शुभेच्छाएँ देता हूँ। आज हूँ मामलतदार गढ़धार तरीके हूँ निवृत्त हूँ छू। गढ़धार अंदर मैं 6-11 मास फरज बजावी। आ फरज दरमियान अमारा उपरी अधिकारी श्री अने प्रांत अधिकारी साहेब एना मार्गदर्शन हेठळ अमे दरेक तबके पछी इलेक्शन होय, विधवा सहाय होय, खेतीनी जमीन बाबतनी होय, एंट्रीनी होय, दरेक झूंबेश कामगिरी छे ए टाइम लिमिटनी अंदर मैं पूर्ण करेल छे। गढ़धार नगरपालिकाना वहीवटदार तरीके मने 1-3 महीनानो मौको मिल्यो, एनी अंदर मैं घणा बधा कामो, खास करीने हूँ चित्रनगरीनी वात करूँ तो एक हाव नवो कॉन्सेप्ट हतो ए पूर्ण करेल, अने हवे जे कंई कामो थवाना छे एमां खास करीने બીટીપીકેશનને લગત છે, એવા ડાયરેક્શન બોર્ડ લગાવવાના છે, હોર્ડિંગ લગાવવાના છે, કિયોસ્ક બોર્ડ લગાવવાના છે, 40 જેટલા જેનું ટેન્ડરિંગ થઈ ગયું છે, 40 જેટલા ઇલેક્ટ્રિક પોલ, સોલાર પોલ ઊભા કરવાના છે, આમ 2 અને 2 કરોડના ખર્ચે કોમ્યુનિટી હોલ પણ મંજૂર કરવામાં આવેલ છે। આમ મને આશા છે કે મારા ગયા બાદ પણ નગરપાલિકાની અંદર આ બધા કામો આવતા 6 મહિનાની અંદર કાર્યરત થશે, તો એક ગાયધર છે એક ટાઉનમાંથી શહેરની દિશા તરફ એનું પગલું હશે। આવા જ અવનવા વિડીયોઝ માટે અબતકની ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ, લાઇક અને શેર કરતા ના ભૂલશો। આ જ રીતે જોડાયેલા રહો અબતક સાથે।